निशा बेगम का लजीज किचन में आप सबका स्वागत है। निशा बेगम का लजीज किचन से आज कुछ जबरदस्त चीज बनने जा रहा है और ये हम आप सबका संग में डिस्कस करना चाहते हैं। गर्मी का टाइम है तो शरीर को बहुत फायदा देता है, सेहत में भी बहुत फायदेमंद होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये डाब है, ये आज आया है मार्केट से, तो हम सोचे आपका संग में भी शेयर करें। तो देखिए यहाँ पे 5 पीस डाब आया है तो हम इसमें से 2 पीस लेंगे। तो डाब का पानी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है और खास करके गर्मी के लिए। बदन में पसीना से, जो बदन से पसीना होता है वो पानी होता है, निकल जाता है बदन से पानी, इसीलिए डाब पीने से वो पानी पूरा हो जाता है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ से 1 पीस काटेंगे। देखिए इसको हम कर देंगे साइड। अब डाब कैसे काटिएगा, देखिए कोई भी नाइफ ले लीजिएगा, मुंडी का तरफ काटिएगा, जो साइड में उसका माथा है उसी टाइप का काटिएगा, और नहीं तो आप ये साइड का भी काट सकते हैं, पर ये साइड का कटने से अच्छा होता है। देखिए हाथ बचाते हुए इसको इसी टाइप का, काटते जाइएगा, ये अपने ही काट जाएगा। ये देखिए काट लिए हैं, यहीं पर छेदा करेंगे तो पानी निकल जाएगा। और भी जो 1 पीस है हम इसी टाइप का इसको भी काट लेंगे, उसका बाद आपको दिखा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, तो एक हम काट लिए हैं, उसका दूसरा ढंग से हम काटेंगे। ये भी हम देखिए और एक स्टाइल से इसको काटेंगे, जैसे कि ये वाला। तो ये देखिए हमने दोनों काट लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम दोनों काट लिए हैं, इसको हम कर देंगे साइड। अब इसका देखिए मुंह कैसे हम खोलेंगे। तो देखिए इसको पहले एक साइड से हम छोटा चाकू से इस टाइप का एकदम चरकुटा में काट लेंगे। ये देखिए देख सकते हैं पूरा पानी भर के है। एक ग्लास रखेंगे, दूसरा भी हम काट के इसी टाइप का डाल लेंगे। देखिए 2 पीस डाब हमने छोटा साइज का काटा है, और ये डाब बहुत फायदा होता है, हरा वाला से भी ज्यादा। ये पीला टाइप का जो डाब होता है ये बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत ही ये फायदेमंद होता है। तो आज हम आपका संग में ये डाब का डिश शेयर करने आए हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।